ऑर्डर किया हमने बनाई थी। अब हमने दोनों तरीके से बनाया ये। अस्सलाम वालेकुम, वालदा की रसोई में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम बनाएंगे बथुआ के पराठे। बथुआ के पराठे भी बनते हैं, कचौड़ी बनती हैं, आलू भर के भी वैसे भी। अब इसको हमने बथुआ को तोड़ लिया, साफ़ कर लिया, इसको धोया है 5-6 बार पानी में, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है बहुत, इसलिए हमने इसको साफ़ कर लिया है। अब इसको हम पहले उबालेंगे, इसमें पतीले में रख दिया है। अब इसमें पानी डाल के हम इसको अभी हम गैस पर रख के अभी दिखाते हैं उबालेंगे। अब इसको हमने उबलने रख दिया है, गैस ऑन कर दी, इसमें 1.5 गिलास से ज़्यादा पानी डाल दिया है हमने। अब इसको पहले उबालेंगे, उसके बाद ठंडा हो जाएगा, फिर आटे में गूंदेंगे हम इसे, फिर दिखाएंगे। अब ये जो है बथुआ हमारा, ये उबल गया। अब ये अभी थोड़ा गुनगुनाया, ऐसे ऐसे हमें इसे गूंदेंगे, आटे में डालेंगे अभी अभी दिखाएंगे। और हमने ये मसाले लिए, ये मसाले लिए 1 चम्मच, ये सौंफ है छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच धनिया, और आधा चम्मच ये वो है अजवाइन, 1 चम्मच ये जो है जीरा, और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी है, 4-5-6 लौंग है, 4 इलायची हैं, और आधा चम्मच ये काली मिर्च है, और ये सूखी लाल मिर्च है। ये हम सब इसको अभी रोस्ट करेंगे हल्का सा, फिर इसे हम पीस के और इसमें मिलाएंगे आटे में। इससे बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छे टेस्टी पराठे बनते हैं। अभी दिखाएंगे बनाएंगे। अभी इसमें हम ये जो है फ्राई पैन में ये डाल के थोड़ा सा इसे हल्का सा ये रोस्ट करेंगे, हल्की गैस पे से मसाले को थोड़ा सा हम, थोड़ा सा खुशबू आने लगेगी, कलर बदल जाएगा, तब तक इसे हम थोड़ा रोस्ट करेंगे, फिर हम इसे पीसेंगे। इसमें हमने कसूरी मेथी भी डाली, थोड़ी सी हमने इसमें अजवाइन डाली। अभी दिखाएंगे। अब ये हो गया मसाला, इसका कलर बदल गया। अब इसे हम पीसेंगे ठंडा करके। अब ये आटा हम गूंदेंगे। ये हमने बथुआ जो है ये निकाल लिया, अब इसको हम इसमें डालेंगे आटे में, और इसी पानी से गूंदेंगे जो हमने ये पानी जो है बथुआ को उबाला था। पहले हमने इतना साफ धो लिया था, और अच्छा पानी, साफ पानी से हमने इसे उबाला, इसी पानी से हम गूंदेंगे। ये गुनगुना पानी है, और इसमें हम ये मसाले डालेंगे। ये जो हमने अभी मसाला दिखाया था वही हमने बनाया है। अब इसको हम ये डालेंगे, ये थोड़ा सा बचाएंगे, अगर कम लगेगा तो और डालेंगे। और ये अदरक लहसुन की पेस्ट है, चाहो तो अदरक जो है हम कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। हमने ये पेस्ट डाल दी है, 1 चम्मच है ये हमारी पेस्ट। और ये नमक है, ये नमक हम डालेंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। हमने ये 1.5 चम्मच नमक डाला है। इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, हरा धनिया भी। हरी मिर्च हमें कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता, इसलिए नहीं डाली, पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। अब हम इसे पहले बाथू को जो है ऐसे मस लेंगे, इसे बाथू भी कहते हैं, बथुआ भी कहते हैं इसको। सारा मिलाएंगे, फिर इसको काटना नहीं है, बस ऐसे तोड़ के और हम इसे पानी में उबाल लेते हैं। इसको सारा ऐसे मिलाएंगे आटे में पहले, उसके बाद और पानी लगेगा तो लगाएंगे। बहुत अच्छे बनते हैं, आप भी ऐसे ही बनाएं हमारे तरीके से एक बार, और हमें कमेंट में बताएं हमारे जो है कैसा बना। और इसमें हम आलू भी भर सकते हैं अंदर, इसके कचौड़ियाँ भी बनती हैं इससे। अभी हम दिखाएंगे मिला के। अभी हमारा आटा जो ये गुन गया, ऐसे गूंदना है इसको पूरा सही से। अभी दिखने में ऐसा लग रहा है जब हम बनाएंगे तो पूरा ग्रीन दिखेंगे ये पूरे पराठे। ये 1/2 किलो आटा था, 1 किलो हमारा ये बथुआ था।
अब चखे देखना है नमक मिर्च कैसा है, इसमें अगर कम लगे तो हम डाल सकते हैं इसमें और भी, इसमें कम लग रहा है तो हम ये सारा पूरा मसाला डाल देंगे, हमने ये दिखाया था इतना ही डालना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आटे में से, अभी से पूरा ही मिलाना है। नमक भी थोड़ा कम लग रहा है, डाल दिया। अभी हमारा आटा देख सकते हैं आप, गूंद गया कितना अच्छा, ऐसे ही गूंदना है इसको। अब जब बनाएंगे पराठे तब दिखाएंगे। अब इस बर्तन में हमने करके रख दिया, अब थोड़ी देर से रखेंगे, उसके बाद बनाएंगे पराठे। अभी हमने तवा रख दिया, हम पराठे बनाएंगे। अभी हम अपने पराठे बनाएंगे। अभी हमने आटा ले लिया, इसके पहले हम लोई बनाएंगे ऐसे। अब इसे हम बेलेंगे, पहले हम ऐसे बेलेंगे, सूखा आटा लगा लिया ये, अब ऐसे हम इसे बेलेंगे। अभी तो हम ऐसे सादा बना के दिखा रहे हैं, आलू वाले भी बनाएंगे फिर दिखाएंगे। चाहे मोटे पतले जैसे मर्जी आप बना सकते हैं, छोटे बड़े आप अपनी मर्जी के मुताबिक। ये हमारा पराठा जो है बेल गया, अब हम इसे तवे पर डालेंगे। अभी तवा गर्म हो गया, अब इस पर हम डालेंगे, अब इसको पलट देंगे। घी में तेल में चाहे जिससे मर्जी आप बना सकते हैं, हमने ये तेल लगा दिया है, घी नहीं था इस वजह से ये हमने तेल में आज बनाया है, क्योंकि ये नुकसान भी नहीं देता, ये खा लेते हैं तेल को। तेल हमने पहले ही गर्म कर लिया था, तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया पहले। इसको हम दोनों तरफ से ऐसे दबा दबा के सेकेंगे, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। अभी हमने स्लो गैस कर दी थी, अब तेज करते हैं थोड़ी, अभी ये मीडियम गैस पे इसे सेक लेंगे। अभी हम मीडियम कर लेंगे इसको, दबा दबा के सेकना है ताकि एकदम से बढ़िया रहे करारा। ये देख सकते हैं ये बन गया हमारा पराठा, ये है ना ग्रीन। अब हम ऐसे ही और भी बना लेते हैं, चटनी के साथ खाओ इसे बहुत अच्छे लगते हैं। अभी हमने दूसरा पराठा ये इस तरह का बनाया चकोर, इसको भी अभी सेकेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तवा सही से, फिर हम इसे मीडियम कर देंगे। फूल लाए तो
को भी ऐसे सेकना है। अब ये हमारे पराठे बन गए, आप देख सकते हैं कितने अच्छे पराठे बने हैं। आप चटनी के साथ खाओ, इससे बहुत बढ़िया लगते हैं। ये हमारी टमाटर की चटनी है, हरा धनिया, हरी मिर्च और टमाटर की हमने बनाई थी। अब हमने दोनों तरीके से बनाया ये। अगर हमारे रेसिपी पसंद आए तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी रेसिपी अगर पसंद आए तो हमें कॉमेंट में बताएं। दूसरी रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।